ओके, तो फिर नोकिया ने एक 5G फोन लॉन्च कर दिया यूरोप के अंदर। फिर आज की इस वीडियो में ये देख मुझे स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या क्या है, प्राइसिंग क्या होगी बेसिक उस चीज़ की, और क्या आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो फिर यार गाइस, मेरा नाम ऋषभ, आप लोग देख लो चैनल, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर इंट्रो तो है नहीं, इंट्रो गलती से डिलीट हो गया, तो फिर इंट्रो की जगह मैं यहाँ पर एक प्लग लगा देता हूँ। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को इस टाइप की फोटोग्राफी रिलेटेड कंटेंट वगैरह थोड़ा सा पसंद है, और इंस्टाग्राम के अलावा अगर आप लोग टिकटॉक यूज़ करते हो तो फिर वहाँ पर भी मैं हूँ। अब सबसे पहली बात अगर मैं क्लियर कर देना चाहूँ, इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ 5G फोन खरीदने का कोई भी सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि अब इस साल के एंड तक 5G आएगा या नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से वैसे ही सब कुछ डिले हो रहा है। उसके बाद फिर अगर अगले साल भी आएगा नहीं, तो उसकी कोई भी अब तक गारंटी नहीं। इनफैक्ट अभी 5G USA वगैरह के इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुआ नहीं, इसलिए मेरे को लगता है कि एज ऑफ नाउ इंडिया के अंदर कोई 5G फोन खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्राइस, क्योंकि ये जो नोकिया का 5G फोन है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, बट ये सैमसंग की नोट सीरीज़ के प्राइस के अराउंड में आ रहा है। तो जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह वो है 6.81 इंचेस का एक फुल एच डी आई पी एस एल सी डी डिस्प्ले। उसके बाद फिर इसका जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 765G, जो कि ऑब्वियसली बात है ओवर प्राइस है, क्योंकि जो नोट 10 वगैरह है वो अराउंड 40-50 हज़ार के आते हैं। उसके बाद फिर जो अपना जो कैमरा सेटअप है वो है आपका, एक तो 64 मेगापिक्सल का एक मेन सेंसर, 12 मेगापिक्सल का एक सेंसर, और 2 मेगापिक्सल के दो शायद से डेप्थ और एक मैक्रो सेंसर टाइप सा कुछ है। उसका जो 24 मेगापिक्सल का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो एक सिंगल लेंस है सामने की तरफ। उसके बाद फिर जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इसका मिलने वाला है, और Android 1 मिलेगा, और दैट्स इट फॉर द पैकेज। जो प्राइस है वो है 6 GB और 64 इंटरनल स्टोरेज वाली वेरियंट की, वो है 48,500 रुपीज़, और जो है अपना 8 GB प्लस 128 वाला वो है 52,500 रुपीज़। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोटी सी वीडियो है, मत खरीदना अगर इंडिया का ना गलती से भी लॉन्च हो जाता है तो, वैसे भी यूरोप का नहीं लॉन्च हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ नया सीखने को मिलेगा।